बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद, मैं आपके साथ हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। गली, मोहल्ला, चौराहा, अपर लेवल, लोअर लेवल, जहाँ पर भी आज आप देख लें, आपको सिर्फ एक ही बहस सुनाई देगी और वो है तहरीके अदम एतमाद। कुछ लोग कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत जज्बाती हैं कि जनाब गवर्नमेंट तो गई, हुकूमत अब नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर की बातें जानते हैं, और उन लोगों में अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नाम लें तो गलत नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट हैं इसको लेकर, वो कहते हैं कि 27 को मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, और ये कहा जा रहा था कि जैसे ही इजलास होगा, इसमें जैसे ही जो मेम्बरान हैं वो आएंगे, तो तहरीके अदम एतमाद जो है वो एजेंडे पर होगी और उसी दिन ये काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एजेंडे पर भी थी, फिर क्यों मुलतवी कर दिया गया, इसके ऊपर बात करते हैं इकबाल शाहिद साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। फरमाइएगा, एजेंडे में भी शामिल है एक चीज़, और वेट किया जा रहा है कि कब इजलास होता है, और इजलास होता है तो उसको मुलतवी कर दिया जाता है। स्टार्ट में अगर मैं आपको टॉम एंड जेरी की मिसाल दूं जी जी, कि ये पाकिस्तान में इस वक्त ये इस तरह का गेम शुरू हुई है जिस तरह आप देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस 7 तारीख को उन्होंने जमा करवाई थी एप्लीकेशन के अजलास बुलाने के लिए, और नो कॉन्फिडेंस टेबल करने के लिए, उसी दिन टेबल होनी थी। सही, टेबल होती है जब सेशन हो रहा हो, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। वो बनती थी 21 तारीख, 14 दिन के बाद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हुकूमत ने उसका एक और चीज़ निकाली जिस तरह डेफिनेशन की, ये 14 दिन आइनी तो हैं, अजलास बुलाने के लिए, अजलास करने के लिए नहीं है। Okay. बड़ा बारीक नुक्ता था। ओके, कॉल किया जा बुला सकता नहीं है? उनके बुला लेते हैं। अच्छा, बुला के लेते हैं कि दूसरे दिन इत्तेफाक से वाईसी का सेशन था। अच्छा, बिल्कुल। अगला दिन 23 मार्च न्यूयॉर्क में पाकिस्तान था। हुकूमत यानी इन चीजों से उसने फायदा उठाया, बल्कि फायदा अगर उठाया तो दूसरे लोग जो थे जो इसको सबोटाज करना चाहते थे, उन्होंने टाइम ही ऐसा रखा। ये वैसे बड़ी तकलीफ से बात है कि अगर वो ऐसी का इजलास हो रहा था जी जी, तो को महीना रुक जाते। बिल्कुल, इन्होंने उसी दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, उसी दिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस टेबल, अगर उस दिन टेबल हो जाती तो मुझे बताइए वो ऐसी में सदारत कौन करता है? और फिर यह है कि बड़ी जग हंसाई होती। अब यह है कि हुकूमत ने फिर उसी तरह कहा कि हम 25 आए थे सेशन में, और आपने दुरुस्त कहा कि ये उस एजेंडे में शामिल था, शामिल था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि जरूरी हो। बिल्कुल, शामिल किया गया। ये भी था कि हुकूमत की इससे पहले तकरीबन उन्होंने बताया कि 24 इस तरह के वाक़ थे कि जब कोई मेंबर फोत हो जाता है तो उसकी फातह खाने के बाद इजलास को बाकायदा मुलतवी कर दिया जाता है। इस पर कल अपोजिशन बहुत बड़ी तैयारी थी कि हम धरना देंगे, और वह कौम को भी ये था कि आज शायद ये तमाशा अच्छा वाला लगेगा, क्योंकि संजीदा तो ये है नहीं, कितनी जल्दबाजी इनको लगी हुई है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन हुकूमत ने, और खासतौर से स्पीकर, जो उस पर एलिगेशन है कि हुकूमती, वो देखिए शायद साहब बनी क्या कि एक तो एजेंडे में शामिल थे फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, और दूसरे की तरफ से कोई उस तरह का रिएक्शन भी नहीं आया जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये असल बात है कि हमें तो समझ लग रही थी कि शायद अंदर उसका घेराव करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। हुआ नहीं, यही असल सवाल है। और ख़ासतौर पर मैंने इस पर आज एक प्रेडिक्शन अपनी किसी जगह की है कि इसके बाद जो सिलसिला इतना इसको हवा दे के ऊपर किया गया है, वो ऐसी का इजलास हो गया है अमेरिका और इंडिया की मुखालफत के बावजूद। बिल्कुल, और आगे जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। मुझे बताइए इस दौरान ये अगर मुतहरक होता है तो इसका हाल तो निकालना पड़ेगा। मेरी नज़र में जिस तरह लॉन्ग मार्च हो रहा है और पहुंचने वाला है, और खासतौर पर उन्होंने थोड़ा लेट भी किया था, इसलिए पहुंचना था 25 तारीख को, अब वो 28 उन्होंने डेट दी है। ऐसा ही है। अच्छा, क्यों है? इसलिए कि 27 तारीख जो है वो तमाम सियासी जमातों की अपनी जो पावर शो करनी होती है वो इस्लामाबाद में मौजूद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें ना कि अगर तो झगड़े से बचना हो और कोई पॉजिटिव या मुल्क की कोई खैर खाही हो तो जुल से जुलूस जो है ना करने चाहिए, लेकिन ये आगे पीछे कर लेने चाहिए। बिल्कुल सही है। इस वक्त आप देखें कि जो रेड जोन है तो उसमें सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं। बिल्कुल सही। फिर यह है कि वहाँ फॉरनर बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मसलन आप देखें कि आप जोर आजमाई करके वहाँ को ऐसा
सिलसिला करेंगे तो फिर आप जाने आपका काम जाने। और एक परसेप्शन ये भी थी कि ये बिला वजह नहीं था, बिला वजह नहीं था, वो एक है कि बस एक तरफ और तो एंड पे फिर आपके मुंह से जब बात निकल जाती देखते हो ऐसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, तो वो तो फिर लगता है ना कि प्लान्ड एजेंडा, प्लान्ड था, प्लान्ड था, और वो इनको बहुत डैमेज कर गया। अगर डीप चौक में इमरान खान जलसा करता है तो वो भी गलत है, ये दूसरी पार्टी ने कि हम भी करेंगे बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ वाइजली तौर पर जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि भी आप, मेरा जवाब अभी तक नहीं आया, ये क्या रीजन है, आज क्यों टेबल, आज क्यों नहीं डिस्कशन हो सकी? वो वजह है, उस जो आपने कहा ना टेबल नहीं हो सकी, उसमें जैसे कि एजेंडे में 15 चीजें थी, ठीक है, ये बकायदा अपोजिशन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो आजकल यही है, कोई जरूरी नहीं, वो इसलिए कि अपोजिशन के नजदीक जरूरी है, मुल्क का कौन सी चीजें फौरन बाकी जा रही है। अच्छा, फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी नहीं ना आया, ये असल बात। अच्छा, इसी पर मैंने जब आपके बीच में बात की थी कि प्रेडिक्शन मेरी ये थी कि अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब ये जलसे जुलूस इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आपने देखा कि वो उसमें यूनिफॉर्म जो है तकरीबन 10,000 रजाकार है जो मेरी तुलमा इस्लाम का, तो उनकी तैयारी मुकम्मल है कोई ना कोई अनरेस्ट करने के लिए, ठीक है, पावर नहीं सिर्फ। अच्छा शाह साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर अगर कामयाब हो जाते हैं उतनी गैदरिंग करने में 27 को, और अगर इलेक्शन जलसा हो भी जाता है जैसे हम कर रहे हैं बात कि शायद ना हो, लेकिन अगर हो भी जाता है और जितनी गैदरिंग वो करना चाह रहे हैं, तो जाहिर उनका मकसद तो ये ना कि प्रेशर डेवलप किया जाए और उन लोगों को बताया जाए जो कि डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर इतनी गैदरिंग हो जाती है तो उनकी डाइवर्शन जो है वो रुक जाएगी? नहीं, अब जलसा मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सेकेंडरी हो गया है। अच्छा। क्योंकि जलसे तो उसके हो चुके, जहाँ उन्होंने जलसे किए हैं मंडी बालदन किए हैं, बहुत लोग आए, अभी भी कट्ठे हो रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। आप देखो मानसर अभी कल अगर तैयारी करके उन लोगों ने पहुंचना, दोबारा उन इस्लामाबाद पहुंचना, जब तैयारी करेंगे तभी पहुंचेंगे ना, दो दिन रास्ते में लगते हैं, मुख्तलिफ चोर इकट्ठे होंगे। अब वो चीज जिसको दिखाना चाहते थे उन्हें नजर आ गई है कि वो फॉलोइंग है, फॉलोइंग है, तो वजह यह को दूसरा लाल भुट्टो जरदारी साहब ने बालाखंड किया था वो उसकी भी फॉलोइंग नज़र आ गई है। अच्छा, अब सिर्फ ये है कि फेस सेविंग होगी, पल्ले किसी के कख नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये अब तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ये चाहता है कि ये सक्सेसफुल हो, नो कॉन्फिडेंस, बेशक ओवर कॉन्फिडेंस है, अच्छा, ये कहना नहीं चाहता वो, अंदर उसके कहे होगा, ही इज सो कॉन्फिडेंट ना, वो कहता हो जाए, हो जाए, पहली बात अभी आपने कहा कि लड़ेंगे, दूसरा ये है कि चलाएंगे कैसे, तो जितनी अचीवमेंट उसने करनी थी हेल्थ कार्ड की, डैम्स की, और एक्सपोर्ट की, और OIC की मीटिंग की, इस तरह सारी चीजें वो कर चुका, और पेट्रोल की कीमतें जो है ना अभी भी कल शहबाज शरीफ को कहा गया था, तो उसने कहा भी ये तो इंटरनेशनल रेट होते हैं, मैं क्या करूंगा। तहरीके अदम एतमाद की अगर हम बात करते हैं, अगर ये लेट्स सपोज अगर ये वापस हो भी रही है तो क्या डील चल रही होगी इसके? ये तो मैंने भी कहा बताया, इलेक्शन, इलेक्शन ही है दूसरा ये नहीं, तो फिर ये इकट्ठे भी तो हो रहे हैं ना वहां पर, ये इलेक्शन की डिमांड करेंगे, इकट्ठे तक होंगे शायद जल्द से ना हो, ये मैंने आपको, नहीं नहीं, अगर जैसे उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि अगर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद, इन्होंने पहुंचना है जब, तो तब भी जाहिर है वहां पर अपनी पावर शो यही करेंगे, वहां पर डिमांड इनकी यही होगी कि इलेक्शन करवाएं, री इलेक्शन हो, ठीक है, और असेंबली के अंदर इनकी डिमांड है कि जो अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाए। इस पर शेर है कि हैं वाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी गार खुला, तो वजह यह है कि जो कहते हैं वो होता नहीं, वो जो नजर आता है वो हो नहीं रहा होता, जो हो रहा था वो नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ कि ये बड़े सियासतदान जो है, आपने देखने की कोई करेक्टर तो है नहीं, ये आप देखेंगे किस किस पार्टी को क्या क्या इन्होंने जेलों में रखा, किस के साथ मिले। और सर शाह साहब, मैं कहती हूँ अगर अवाम हमारे इतने बादशाह हो चुके हैं ना, तो दिस इज द टाइम कि वो ऑब्जर्व करें कि इस वक्त इनके जाती मफादात आगे हैं या फिर सियासी या स्टेट के मफादात आगे, ये तो ऑब्वियस हो चुकी है, मुशाहदन बात सामने आ चुकी है कि किसके मफादात सबके सामने। देखिए ना, वही OIC वाली बात हो गई, उसमें भी इन्होंने अपने जाती मफाद को आगे रखा, अभी भी सर इनके दरमियान कोई मिडिल मैन भी नहीं आ रहा इनको आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए। सर सुप्रीम कोर्ट में 63A पर समाज जा रही है, आपके ख्याल में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या? आप देखें ना कि उसमें पूरी कौम देख रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मतलब बड़े अदब एहतराम से, आप तो खैर रतमंडल ने भी कहा है कि भाई कोई किसी किस्म की तोहीन अदालत नहीं, नहीं होती, वो बातें कर रहे हैं, होनी चाहिए, मैं समझ गया आईन में दर्ज है कि अदालतों के कि सब जुडस हो तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जजेस ही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, जजेस को चाहिए कि जो फैसला करना है करें, वहाँ ऑब्जर्वेशन मत दें। कल दोपहर 12 बजे तक ये नजर ये आ रहा था, ठीक हो गया,
देखिए जी, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे थे कि भी अगर एक मेंबर किसी पार्टी से मुंतखब होता है तो वो उस पार्टी के खिलाफ किस तरह जा सकता है। इसका मतलब है जस्टिस कश्ती में है, उसे छलांग लगा, कश्ती को डुबो रहा है। ये यानी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक हो गया। लोग थोड़ा सा पीटी वाले हिम्मत पकड़ रहे, हिम्मत पकड़ लेते हैं। आफ्टरनून फैसला जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी, फैसला तो नहीं अभी हुआ, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि भाई एक MNA है तो वो जब वोट देता है तो क्यों नहीं दे सकता। नंबर वन, बिल्कुल ठीक है, देता है तो गिना क्यों नहीं जाता, गिना क्यों नहीं? तो फिर हम समाज किस चीज की है? Exactly. मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि अगर MNA को इतना ही इख्तियार हासिल है कि एक पार्टी के मैनिफेस्टो पर वो जीत के आता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, कत्लो गारत हो जाती है, वो पार्टियों को सपोर्ट करते करते अपनी सारी दोस्ती खत्म कर लेते हैं, तो फिर अगर ये बदल के सही है तो फिर अवाम को, अवाम कहाँ जाए? फिर अवाम को तो कोई हक तो दें, बिल्कुल, उनको फिर इकट्ठा करें कि जो वोटर हैं एक इलाके में 1,25,000 वोट को लेता है, उन 1.25 लाख को इकट्ठा करें। बिल्कुल, उनकी चॉइस कहाँ गई फिर? मैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? इसका मतलब है कि जो MNA जीत के पैसे लेके तो आगे चला जाए वो तो ठीक है, अच्छा फिर ये कहते हैं जी वोट कंसिडर होगा। मेरा बात यह बताने वाली है नाजरीन को कि जिस वजीर आजम ने उनको टिकट दिया और कामयाब हुए, कुछ उसके अपने वोट से 19,000 1.25 लाख उसने पार्टी का लिया, तो वो अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट दे के उसको घर भेज के बाद में उसका अचार डालना, बिल्कुल, उसको बाद में क्या करेंगे? Exactly, उसको बेशक ताहयात नाहल करें या 2 साल के लिए करें या कोई और सजा दें, भाई उसका तो कला कमा उसने अपनी पार्टी कर दिया, कर दिया। तो इसी तरह फिर 1.25 लाख वो बंदे इकट्ठा करें कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो लोग हाथ खड़ा करें, अगर 2-3 लोग खड़ा करें तो फिर बदल जाए, बल्कि बदल भी नहीं जाए, बेहयाई है, अगर गैरतमंद हो तो रिजाइन करे, रिजाइन कर जाए। वो क्या जी, मैं चूंकि इस गलती मुझसे हो गई थी, सर फिर पैसे कहां से निकलाने? गप्पियों के गप्पे तो पैसे आ रहे हैं, और पैसे कहां से आएंगे अगर वो रिजाइन कर देंगे तो? और उन्होंने चलो लिए जो जो स्पेशल सीटों वाली बीबी है, औरतें, उनको कम अज कम मैं कहता हूँ हया नहीं आती, बिल्कुल, कि उनका तो वोट ही कोई नहीं। सही कह रहे, उन्होंने तो स्पेशल यानी आप सब तो ऑब्लाइज किया गया है, ऑब्लाइज किया गया, बिल्कुल। अच्छा कौन सी अच्छी वो रोटियां पकाती थी तब उन्होंने रखा है? कौन सा वो अच्छा साग पकाती थी? कुछ तो करती थी, बिल्कुल। हाँ जी, चले ठीक है, यानी कि इस पर हम ये बात कर सकते हैं अब कि जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट के हक में ही होगा, और अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गवर्नमेंट के हक में दिखाई दे रही हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन तो ये भी उनके हक में जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 100% इसलिए कि वो ये कह सके कि मुझ पर दबाव इतना था, मैं तो अभी और काम करने थे, तो जितने मैंने किए ये है, ठीक, उसका ये परसेप्शन ये है और उसका ये है कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म मनसूबे बनाए हैं। डैम्स हैं, वो क्रेडिट ये है कि उसको एक दिन में तो बनता नहीं, 8 साल लगेंगे, बिल्कुल। हेल्थ कार्ड है, मुखालफिन भी फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और ये डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट 28% बड़ी, एग्जैक्टली बड़ी है, बिल्कुल सही। बैंकों का जो लोन है ये आप हैरान रहेंगे, मेरा मुझे खुद पता है कि मैं देहाती रिजल्ट करता रहता हूँ, बैंकों के आगे अक्सर लोग 13-14,000 या 50,000 तक वैसे लोन ले लेते हैं शख्सी जमानत पर, ऐसा ही। अच्छा अगर वो लोग लोन ले लेते हैं तो कारोबार भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इतना नहीं है अपोजिशन के साथ लोग ना इनको इतना पूछ रहे हैं, काम के लिए कुछ दिन चाहिए। इमरान खान, मेरा अंदाजा यह है कि वो कॉन्फिडेंस उसका जो ओवर है ना वो ये है कि चलो यार देखा जाए, कोई बात नहीं, मैंने तो अपने अगर नहीं होते तो हो जाते, उसे नहीं होंगे तो अपोजिशन के लिए भी ये कोई तरन वाला नहीं है, नहीं है, क्योंकि बल्कि अगर वो आज आ जाते हैं तो 1.5-1.5 साल रहता है, उनको हो सकता है ज्यादा मसाइल का सामना करना। आवाम को आज उनकी तादाद 158 थी इजलास में, हाँ उन्होंने इतनी बताई है, क्योंकि वो किसी ने गिने तो नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि अगर उनके पास तादाद, दोनों ही ब्लफ कर रहे हैं, PTI भी ब्लफ कर रही है, ठीक हो गया, ये भी ब्लफ कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन इमरान खान रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो 27 को पॉसिबिलिटी है, उन्होंने आज उन्होंने कहा मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, नहीं करनी, पढ़ाई से भी नहीं बात करनी, बिल्कुल देते हैं दे नहीं, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों रेवत अली ने कहा, MCOM ने कहा जी हमारा आके मिले थे, बिल्कुल उन्हें वोट ही नहीं जी। सर बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर ये कहा जाए कि एक दिन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ रही है, अगले दिन जो है वो हमारी PTI की जो गवर्नमेंट है वो जलसा करिए, और उससे अगले दिन फिर इजलास होगा, और देखना यह है कि ये 3 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो दूसरे दिन जैसे कि शाहिद साहब ने ये बात की, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देते हैं, फिर तो तीसरे दिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन देखना यह है कि होता क्या है। अगले 3 से 4 दिन हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। आप भी यही है, मैं भी यही, मेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।